तो ये चल रहा है मई का सीज़न। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मई के सीज़न में लगातार इतनी कंटिन्यू बारिश हो सकती है, तो मैंने क्या करी, छत में आ गई हूँ। सोचा ये बारिश का मौसम को छत से एंजॉय किया जाए, तो मैं छत में आके बारिश के सीज़न को एंजॉय कर रही हूँ। कंटिन्यू चल रही है तो मैंने कहा चलो आके घूम लेते हैं। आज का मौसम लग ही नहीं रहा है, ये धूप काले का सीज़न है, ऐसा लग रहा है बरसात लग गई है। कंटिन्यू दो तीन दिन से यहाँ पर बरसात चली रही है, और देखिए पानी यहाँ तो रात से ही चल रहा है। अच्छा भी लग रहा है, और ये छोटा सा हमारा पानी स्टोर करने का, क्योंकि यहाँ से पानी आता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखो हमारे यहाँ पे बारिश, हमको वहाँ जाने के लिए छाते में जाना पड़ता है। और ये देखे कौन झांक रहा है, रे 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 रे। अब हम जाते थोड़ा सा ऊपर, और गॉड ये पेड़ तो ऐसे ही आ गया, मैं कैसे जाऊं। मुष्टि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आजा छाता है, आजा नहाओ। देखो मौसम, तो इतनी बारिश हो रही थी तो हमने बनाया है चना और पोहा, और ये रहे हम सब बारिश का मजा उठाते हुए, पोहा खाते हुए सबके सब। अब हम खाते अपना पोहा और बारिश के सीज़न को एंजॉय करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं नाश्ता, जो कि मैंने बनाया था पोहा। पोहा बहुत ही ज़्यादा गर्म था और हमें रस्सा पोहा अच्छा लगता था, हमने रस्सा बनाया है। और ये रहा हमारा फ़ैन जो कि बंद है, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, बारिश का सीज़न है, तो बस हम बारिश का सीज़न एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ पोहा भी खा रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, बस अभी तो फिलहाल बारिश का एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ पोहा खाते हैं। और ये रहे हमारे पतिदेव, और बाजू में बारिश हो रही है, खिड़की मैंने खोल के रखी हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है बारिश के सीज़न में खिड़की खोलने के लिए, इसलिए। अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि आपको पता ही मौसम कैसा हो गया है, तो आज हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। बहुत दिन से चाय चाय कर रहे थे, तो आज फाइनली हम कॉफ़ी पियेंगे, तो मैं आपको कॉफ़ी दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। तो ये रही नेस्कैफे की कॉफ़ी, ये रही हमारी कप, और ये रहा दूध। अब मैं दूध में कॉफ़ी डाल दूंगी, उसको अच्छी तरह से उबालूंगी, फिर मेरी बन जाएंगी कॉफ़ी। अब हम कॉफ़ी पियेंगे, अब मैं चारों कप में कॉफ़ी डाल देती हूँ, उसके बाद हम पियेंगे कॉफ़ी। देखो कलर कितना ज़्यादा सुंदर, कितना ज़्यादा अच्छा है कॉफ़ी का। ये रही हमारी कॉफ़ी, और बारिश बंद हो गई है। Hey guys, कैसे लग रहा है आपको, आप लोगों की खातिरदारी करवाते हुए? बहुत अच्छा है ना, मेरे भी कोई ऐसे खातिरदारी किए तो कितना मजा आए ना। अरे यार टक्कू,
कोई तो बोल रहा था कि हम हार जाएंगे तो हमको कॉफी भी मिलेंगी और मैगी भी मिलेंगी रात के 5 बजे, जीजू ने मैगी है खिलाया। ना। जीजू पार्टी बाकी है। ठीक है ना, है ना, ऐसे है। अब मैं कॉफ़ी का एंजॉय ले रही हूँ पीते पीते, और मैं अपनी बैठ गई अपनी फेवरेट सीट पर। ये ही जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ बैठने से, क्योंकि साइड में ही मेरा खिड़की है। जब भी बारिश होती है तो ठंडी ठंडी हवा, बरसात वगैरह सब चलती रहती है, तब मैं अपना होम थिएटर लगा के या फिर गाने वगैरह लगा के मैं पर्सनली यहीं पर बैठ के चाय कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ। और तो ये रहे टक्कू और मुस्कान, जो कि अपनी कॉफ़ी का एंजॉय करते करते उसे पी रहे हैं, और बाजू में बारिश भी हो रही है। और ये रहे हमारी पतिदेव, जो कि अपने दुकान के काम से कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं। और ये रहे उनका काम, जो कि बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं मुझे काम करते हुए। और ये रहे ये और ये रहे मेरी प्यारी सी टिंगू। बारिश हो रही थी इतनी तेज, इतना ठंड लग रहा था, तो ये रहे बारिश का मज़ा लेते हुए और फिर सो गए, उठे फिर सो गए, बस यही काम कर रहे हैं। क्योंकि बारिश भी तेज हो रही थी, मौसम भी बहुत अच्छे तरीके से खुल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है इतना सुहाना मौसम देख के। अब मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, क्योंकि लोगों की इच्छा थी कि पास्ता खाया जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना ये मौसम में हमें कुछ स्पाइसी टैंगी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रीट फूड खाने की इच्छा होती है। बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो फिर हमने सोचा घर पे ही पास्ता रखे हुए, और मुझे ये वाले स्पायरल वाले पास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर मिर्ची प्याज वगैरह काट लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरे मसाले लिए। मसाले मैंने गर्म मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी और ये मैगी मसाला, तो ये सबको मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मैं मसाले में पकने दूंगी। और ये रहे मेरे पास्ता, जो कि पक चुके बहुत ही अच्छे से, मैंने इनको 90% पका के रखा है। और ये रही मेरी ग्रेवी, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी और लाल है, पक गई है बहुत अच्छी तरीके से। अब जैसे ये पक जाएंगे तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ पास्ता, जैसे कि मुझे ये वाले पास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इसमें ये ट्रांसफ़र कर रही हूँ ये वाले पास्ता। और इसको मैं बहुत अच्छे से तलाऊँगी, मतलब चलाऊँगी, कि जो भी मसाला वगैरह है, जो भी ग्रेवी वगैरह है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास्ता में मिल जाए, और जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो हमारे पास्ता में जाके मिल जाए। तो अब हम खाने जा रहे हैं पास्ता, तो अब मैं इस तरह से अपना पास्ता बनाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इसके अंदर सॉस भी डालती हूँ, जो भी हमारा चिली सॉस, टमाटो सॉस वगैरह होता है, लेकिन एंड मौके पे, मतलब जो समय पे मुझे पास्ता बनाना था वो समय पे वो सब सॉसेस वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सॉस वगैरह नहीं डाली हूँ। तो जैसे भी था काम चलाओ, जो भी हमारे घर में चीज़ें रिक्वायरमेंट थी तो हमने झटपट से वो बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी धनिया, क्योंकि होता है ना धनिया डालने से कुछ भी चीज़ों का वो लुक एनहांस हो जाता है, कुछ भी चीज़ों लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे धनिया डाला और उसको बहुत अच्छे तरीके से गार्निशिंग करी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वो दिख रहा है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब खाने में पता नहीं, ये लोग टेस्ट करके बताएंगे तो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो ये मेरा बन गया है पास्ता। अब मैं इसको बहुत अच्छे से तरीके से चला रही हूँ, क्योंकि होता है ना अगर हम अच्छे से चलाएं नहीं तो जो भी मसाले वगैरह होते हैं वो पास्ता के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, अच्छे से वो मसाला घुस नहीं पाता है। तो फाइनली मेरा हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ प्लेट लगा रही हूँ, 4 प्लेट हमने लगाए क्योंकि हम 4 जन हैं, तो अब हम यहीं खाएंगे क्योंकि हमको कुछ खाना नहीं था, हम पास्ता खा रहे हैं। अब मैं दारी देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को, तो जो कि पास्ता खाएंगे, उनका फेवरेट है, और उसके बाद ये खाएंगे ये दोनों हमारे टक्का और मुस्कान। हम अपना पास्ता एंजॉय करते हैं। बब्बा।